एटीएम डॉग सिक्योरिटी। एक गांव में राजू और सावित्री नाम के खेती बाड़ी करने वाले पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके घर प्रताप आया। फिर प्रताप, क्या ताऊ जी, कैसे हो, कहकर पूछा। तब राजू, प्रताप तुम हो, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखकर, कैसे हो, माँ पिताजी सब अच्छे हैं, कहा। तब प्रताप, हाँ सब अच्छे हैं ताऊ जी, कहा। तब राजू की बीवी सावित्री आकर, क्या रे प्रताप, तुम्हें अभी याद आया अपने ताई और ताऊ जी का, पूछी। तब प्रताप, अरे ऐसी कुछ बात नहीं है ताई जी, नौकरी के वजह से आने का समय नहीं मिल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं ताऊ जी, पूछा। तब राजू, और क्या है करने के लिए, कहा। तब सावित्री, इस साल में कुछ भी फसल नहीं आया, सब मेहनत पानी में गया, गांव भर में कर्ज भी ज्यादा कर लिया, कहकर दुखी होने लगी। तब प्रताप थोड़े देर उनके साथ बातें करके, फिर मैं चलता हूँ ताऊ जी, कहा। तब राजू, ठीक है बेटा, कहा। तब सावित्री, अरे प्रताप तुम शहर में काम कर रहे हो ना, कुछ काम है तो बताओ, बोली। तब प्रताप, ठीक है ताई जी, कहकर उधर से चला गया। थोड़े देर के बाद उनके घर के बगल में रहने वाला तलवर सिंह आकर, अरे ओ राजू चलो खेत तक जाकर आते हैं, कहा। तब राजू, हाँ अभी शर्ट पहन के आया, कहकर दोनों निकल पड़े। तब सावित्री, अंधेरे होने तक नहीं रुकना, जल्दी वापस आ जाना, बोली। तब तलवर सिंह, क्या बहन तुम्हारा पति कोई छोटा बच्चा है क्या, जब भी बाहर जाता है तो जल्दी आ जाना कहती रहती हो, कहा। तब सावित्री, बस ऐसे ही कहती हूँ भैया, बोली। तब राजू, अरे तुम चलो रे, कहकर दोनों बाहर गए। तब तलवर सिंह, अरे राजू बहुत दिन हो गए हैं, पिक्चर देखने जाएंगे, कहा। तब राजू, आज नहीं रे, कल मॉर्निंग शो जाते हैं, कहा। तब तलवर सिंह, अब इतना जल्दी हम वापस घर जाकर क्या उखाड़ना है, चलो रे चलते हैं, कहकर राजू जितना भी कहने से उसका बात नहीं मानकर तलवर सिंह राजू को पिक्चर देखने के लिए मंजूर किया। राजू कुछ नहीं कर पाया और बाइक के पीछे बैठ गया। दोनों थिएटर में गए। तब समय 6:30 बज रहा था। राजू को 6:00 होने के बाद आंखें नहीं दिखते थे, रेतोंदी का बीमारी है। ये बात केवल उसकी पत्नी के अलावा और किसी को पता नहीं था। तलवर सिंह थिएटर के सामने बाइक को रोककर, अरे तुम जाकर टिकट्स ले लो पैसे, मैं जाकर बाइक पार्किंग करके आता हूँ, कहा। राजू बहुत मुश्किल से कैसे भी करके लाइन में खड़ा हो गया। तलवर सिंह आने तक सब लोग चिल्ला रहे थे। क्यों कहकर देखा तो राजू जाकर लेडीज लाइन में खड़ा हो गया। तब तलवर सिंह, अरे ये क्या रे, तुम जाकर लेडीज लाइन में खड़े हो गए, कहा। तब राजू को समझ में आया कि वो लेडीज लाइन में जाकर खड़ा हो गया। तब राजू, कुछ भी नहीं, ये लाइन में लोग कम है इसलिए इधर टिकट्स जल्दी मिलेंगे कहकर खड़ा हो गया, कहकर बहुत मुश्किल से अपने आप को कवर किया। आखिर में बहुत मुश्किल से राजू पिक्चर खत्म करके घर पहुंच गया। अगले दिन राजू के और सावित्री, सुनिए जी कहकर भागते हुई आई। तब राजू, क्या हुआ है, पूछा। तब सावित्री, हमारा प्रताप ने फोन किया था, आपको शहर में कुछ नौकरी देखा है कह रहा था, हमें तुरंत सब कुछ बांध कर शहर आ जाने के लिए कहा है, बोली। तब राजू, कौन सा नौकरी है, पूछा। तब सावित्री, वो तो एटीएम के पास नाइट वॉचमैन का नौकरी है बोल रहा था। तब राजू, अरे ओ पगली, रात में मुझे दिखाई नहीं देता है तुम्हें मालूम है ना, कहा। तब सावित्री, अरे कोई परवाह नहीं है, कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, वेतन 10,000 रुपया है, कम से कम हमारा उधार थोड़ा थोड़ा चुका सकते हैं, जरा सोचिए, बोली। राजू को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आकर, ठीक है तुम्हारी मर्जी, कहा। अगले दिन सावित्री और राजू शहर गए। राजू हर रोज एटीएम के पास नाइट वॉचमैन का काम करते हुए जैसे भी मैनेज कर लेता था। रेडियो में जोर से गाना लगाता था। उस गली में कुत्तों को बिस्किट्स डालकर उनको दोस्त बना लिया। राजू ड्यूटी को आते ही कुत्ते राजू के पास आ जाते थे, राजू उनको बिस्किट्स खिलाता था। कुछ दिनों के बाद एक चोर राजू को रेतोंदी का बीमारी है कहकर पहचान लिया और कैसे भी उस एटीएम में चोरी करने के लिए निर्णय लिया। एक दिन वो चोर मुंह पर मास्क लगाकर एटीएम के पीछे से आकर एटीएम को ड्रिलिंग मशीन से बड़ा सा छेद बनाने लगा। राजू तो रेडियो में जोर का आवाज से गाना लगाने से उनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया। थोड़े देर के बाद
वो चोर उस छेद से एटीएम के अंदर गया। बस वहाँ के सारे कुत्ते राजू को देखकर एक ही बार भौंकने लगे। वहाँ के कुत्तों को देखकर चोर बहुत घबरा गया। तब वो कुत्ते उस चोर को घेर लिए और कहीं भी नहीं जाने देने लगे। इतने में आसपास के लोग आए, तब राजू उस चोर को पकड़ लिया। तभी पुलिस आकर उस चोर को लेकर गए। बाद में वो बैंक एटीएम वाले राजू का ये साहसिक काम के लिए बोनस भी दिए।